नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। खबरों के साथ मैं हूँ वर्षा सिंह। और अब नजर आज की बड़ी खबर पर। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, किसके पास है कितनी संपत्ति? चुनावी हलफनामे में इन्होंने दी जानकारी। क्या है जानकारी, बताए देते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला दिलचस्प है। ये लोकसभा क्षेत्र दिल्ली की सबसे हॉट सीट में शामिल है। संपत्ति की बात की जाए तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में भोजपुरी गायक से नेता बने मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। और भी लोग शामिल हैं, जाने इस खबर में। संपत्ति की बात की जाए तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों में भोजपुरी गायक से नेता बने मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल 28.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार की कुल संपत्ति 10.65 करोड़ रुपए है। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली है। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सोमवार को नामांकन किया। इससे पहले उन्होंने बाबरपुर स्थित चुनाव कार्यालय में हवन किया और सभी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर सर्वधर्म की प्रार्थना की। धर्म गुरुओं ने उन्हें संविधान की प्रस्तावना की प्रति भेंट की। इसके बाद नंद नगरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में आपके प्रदेश संयोजक गोपाल राय व पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ के साथ नामांकन किया। पर्चा भरने से पहले निर्वाचन अधिकारी के सामने कन्हैया ने भगवान की शपथ लेकर प्रतिज्ञा ली कि वो भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे। नामांकन के बाद कन्हैया ने रैली निकाली। ई रिक्शा में सवार होकर वह संविधान की प्रस्तावना की प्रति हाथ में लेकर वो रैली में शामिल हुए। रैली की शुरुआत में प्रत्याशी के साथ NSUI व JNU के छात्र संगठन के सदस्य साथ रहे।